मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई बहादुरगढ़ वालों की आवाज को क्या हो गया? देखो मोदी जी महाराष्ट्र में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। अरे यार आप लोग खड़े होकर नारे भी लगाओगे या मुझे सुनोगे? सुनोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। भारत माता की। आज बहादुरगढ़ की रैली में अंदर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा बोलते हैं, बहादुरगढ़ को पहली बार मैं बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी के अंदर आया और बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा कहते हैं। अगर बहादुरगढ़ से जीत की शुरुआत होती है तो चंडीगढ़ तक कोई हरा नहीं सकता। मुझे बताओ भाई बहादुरगढ़ वालों, जीत की शुरुआत बहादुरगढ़ से होगी क्या? जोर से बोलो, होगी क्या? पक्का? क्योंकि बहादुरगढ़ की जनता ने, बहादुरगढ़ की जमीन ने बहुत सारे लोग गुड़ाने गांव के संत गरीबदास जी, हमारी आर्मी के चीफ और अभी रात को दलवीर सिंह सुहाग जी भी बहादुरगढ़ के हैं, विक्टोरिया क्रॉस एवॉर्डी उमराव सिंह यादव भी बहादुरगढ़ के हैं, ओलंपिक में पदक जीतने वाले श्री बजरंग पुनिया भी बहादुरगढ़ के हैं, एथलेटिक्स नवी कुमार भी यहाँ के हैं, और ये जो बहादुरगढ़ की टाउनशिप है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, वो हरियाणा को ढेर सारा औद्योगिक विकास देने की काम है। मित्रों आज मैं आया हूँ तो मैं हमारे नरेश कौशिक जी को बधाई देना चाहता हूं, उनके नेतृत्व में बहादुरगढ़ को गुंडागर्दी से मुक्त कराने का काम हमारे नरेश कौशिक जी ने किया है, मैं इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। नरेंद्र मोदी जी की झोली के अंदर
सारे कमल के फूल डाल दिए। हमारे अरविंद शर्मा को जिताकर भेज दिया और परिणाम क्या है? परिणाम यह आया 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई। मित्रों, मैं आज आपको कहना है कि देश की जनता ने 300 से ज्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने 300 सीटों के बदले 370 को हटाकर देश की जनता की दुआ। और पूरा देश बहादुरगढ़ के युवाओं की तरह आज मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। 70 साल से कई सरकारें आई और गई, 70 साल से कई प्रधानमंत्री आए और गए, मगर किसी ने धारा 370 को छूने की हिम्मत नहीं की। आपने मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया और इन्होंने हिम्मत करकर धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। आज हमारा जम्मू और कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि, आज भारत का हिस्सा। जहां से आतंकवाद शुरू होता था पाकिस्तान, जहां से देश भर के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों को भेजता था, वो पाकिस्तान को आंख में आंख डालकर रुक जाओ का संदेश देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। धारा 370 के कारण आतंकवाद बढ़ा, देश के अंदर आतंकवाद का जहर फैल गया। अकेले कश्मीर के अंदर 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 40,000 लोग। कांग्रेस पार्टी अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण धारा 370 को हटाने का नाम नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने आतंकवाद की जड़ में मूल समेत आतंकवाद को उखाड़ने के लिए धारा 370 को उखाड़। इतना आप मुझे बताओ, आज भी इस बहादुरगढ़ की पवित्र धरती पर से मैं कांग्रेस पार्टी के नेता हुड्डा जी को और राहुल गांधी को पूछना चाहता, आप हरियाणा की जनता, हरियाणा की वीर माताओं के सामने स्पष्टता करिए कि आप धारा 370 को हटाने के पक्ष में है या नहीं। इन लोगों ने संसद के अंदर जब धारा 370 को हटा रहे थे, इसका विरोध करने का काम जो ये हरियाणा है, विरोध की भूमि है। यहाँ के हर गांव से कोई न कोई जवान ने अपने जान का बलिदान भारत माता की रक्षा के लिए दिया है। ये वीर भूमि हरियाणा, नौजवानों ने ये धारा 370 के कारण अपनी जान के बलिदान दी, कई माओं की कोप, कई विधवाओं के सिंदूर, कई बच्चे यतीम। धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर देश को हमेशा के लिए एकता और अखंडता के धागे में बांध दिया। जो कांग्रेस पार्टी आती है तो तीन डी एक साथ आती है। ये तीन डी क्या है? पहला है कांग्रेस पार्टी आने के साथ ही दरबारियों का शासन शुरू, दरबारिया। दूसरा,
दामाद आ जाते हैं, दिल्ली के दामाद को हरियाणा के किसानों की जमीन दे दी जाती है, और तीसरा दलाल भी आ जाते हैं भ्रष्टाचार करने। दरबारी, दामाद, दलाल, ये तीन डी के आधार पर कांग्रेस ने शासन किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी तीन डी के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी के तीन डी है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, विकास के अलावे हमारी कोई नहीं। और इसलिए बहादुरगढ़ का विकास, सज्जन का विकास करने के लिए पांच साल के अंदर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। पश्चिमी पेरेफाला एक्सप्रेस के साथ बहादुरगढ़ को जोड़ा गया, दिल्ली की मेट्रो के साथ बहादुरगढ़ की कनेक्टिविटी करकर यहां के युवाओं को दिल्ली पहुंचने का रास्ता नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक रीजियोनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम करी, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहां से शुरू किया, और पूर्व नियोजित पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के गलियारे में क्षेत्र को देकर बहादुरगढ़ की औद्योगिक इकाइयों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने का काम किया। प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र झज्जर में बनाया, झज्जर में 100 बेड वाले ईएसआई अस्पताल खोलने की स्वीकृति दे दी, इसका भूमि पूजन हो गया। झज्जर के बड़ासा में कैंसर संस्थान बनाकर 150 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया, 300 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री जी ने दी। झज्जर के मातन हेल्प ब्लॉक में प्रायोगिक आधार पर महिला किसान सशक्तिकरण की योजना की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मित्रों, पहले कोई भी मुख्यमंत्री आता था एक जिले का मुख्यमंत्री, जो आता था अपने जिले का काम करता। हमारे मनोहर लाल जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन्होंने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया, पूरे हरियाणा को विकास किया। 10 लाख किसानों का 4700 करोड़ रुपए का ब्याज और जुर्माना माफ किया, मुआवजे की रकम को 7000 से बढ़ाकर 12000 प्रति एकड़ करी, 5 साल में 3600 करोड़ का मुआवजा दिया, खेल के लिए व्यायामशाला, स्टेडियम, खेल नर्सरिया बनाई, 300 करोड़ रुपया इसमें लगाया, रही के अंदर एक स्पॉट यूनिवर्सिटी बनाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश में हरियाणा को नंबर एक का स्थान देने का काम हमारे मित्र का। और आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, सरपंच चाहे हमारी माताएं हो, बहनें हो, भाई हो, दलित हो, मगर आज हरियाणा में एक भी अनपढ़ सरपंच नहीं रहा, एक आम भारतीय जनता पार्टी। शहीद परिवार के, हर शहीद परिवार के एक एक आश्रित को नौकरी देने का काम किया, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी, 18000 ग्रेड 4 के कर्मचारियों को 1 रुपये के भ्रष्टाचार के बगैर नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, 72000 लोगों के ट्रांसफर करे, कहीं पर भी कोई सिफारिश नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, या तो ये प्रदेश है या नौकरी देने के आरोप में मुख्यमंत्री जेल में गए मुख्यमंत्री, मगर किसी को चिट्ठी नहीं, जिसका मेरिट है घर पर उसको ऑर्डर मिल गया, इस प्रकार का काम किया। और सबसे बड़ा काम मुख्यमंत्री ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हरियाणा की बच्चियों को नया जीवन। एक जमाना में 1000 लड़कों के अपेक्षा 830 लड़कियां होती थी, आज 1000 लड़कों की अपेक्षा
980 लड़कियां है माता ए सम्मान के साथ अच्छी। मित्रों, आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा, पूरे हरियाणा में 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया गया। अंतर जिला परिषद का गठन कर दिया गया। हरियाणा में सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बनने का काम। हरियाणा में आज एक भी घर ऐसा नहीं है कि मेरी माताओं को चूल्हा फूंक कर, धुआं खाकर खाना पकाना पड़ता है। सबके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। गन्ने का भाव 340 रुपया प्रति क्विंटल किया। दो रियल एस्टेट अथॉरिटी गुरुग्राम और पंचकुला में बनाई। आयुष विद्यालय बनाया। देसी गाय के नस्ल के संरक्षण के लिए काम किया। ढेर सारे काम किए। मित्रों, मैं आपको बताऊं, मैं काम बताने जाऊं तो सभा की जगह 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठाऊ तो भी काम मेरे सभा। मोदी सरकार ने भी 27,000 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट दिए। जज्जर में कैंसर अस्पताल, ESIC की मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में, पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, श्री कृष्णा आयुष हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में, पानीपत में पानीपत संग्रहालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय, उत्तर भारत का पहला NIV कुरुक्षेत्र में दिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरियल हाईवे के निर्माण किए। और इसके अलावे हरियाणा के 22 लाख युवाओं को मुद्रा बैंक की योजना का लाभ दिया। जनधन योजना के 71 लाख खाते खोले। 54,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई। 1,55,00,000 उजाला LED बल्ब दिए। 6,80,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 13,000 लोगों को घर दिया। लगभग 6.5 लाख घरों में शौचालय बनाने का काम किया। 7,000 पंचायतों को, 6,100 पंचायतों को नेट से जोड़ने का काम किया। और 117 सरकारी सस्ती दवाइयों के केंद्र खोलने का काम। मित्रों, ये सब किया है, आगे भी करें। मगर मैं एक बात कह रहा हूं कि मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं, ये बहादुरगढ़ के बच्चों की तरह हजारों हजारों लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए उनका स्वागत। चाहे अमेरिका जाए, रशिया जाए, चीन जाए, जापान जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, लंका जाए, भूटान जाए, नेपाल जाए, ब्रह्मदेश जाए, जहां जाए लोग मोदी मोदी के नारे लगाते। और आप लोग खुश होकर मोदी मोदी के नारे लगाते दुनिया में लोग लगाते हैं। कांग्रेस के पेट में दर्द हो, उनको लगता है मोदी जी की बहुत प्रशंसा हो। अरे कांग्रेस वाले हो, इतनी जलन न रखो। ये मोदी मोदी के जो नारे लगते हैं ना भाई, वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं लगते, मेरी भारतीय जनता पार्टी और कमल के लिए नहीं लगते। ये मोदी मोदी के नारे, ये बहादुरगढ़, हरियाणा और 125 करोड़ की देश की जनता के लिए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम। मित्रों, अभी अमेरिका गए थे, हाउडी मोदी का कार्यक्रम हुआ, देखा था आप सबने भाई? जरा हाथ ऊपर करो, किसने देखा था? और जब हाउडी मोदी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मोदी जी मंच पर पहुंचे और भारत जनसागर देखकर ट्रंप बोले बगैर न रहे कि विश्व में सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम कि कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह अपने मुंह से ऊफ नहीं बोलते। मोदी जी की सरकार आपने बनाई, पुरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, मोदी जी ने हमारे जवानों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के ढूंढे ढूंढे। और इसलिए आज दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है भारत के सामने आंख ऊंची कर देखने की, किसी की हिम्मत नहीं है मित्रों। नरेंद्र मोदी और एक कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करेगी, एयर स्ट्राइक का विरोध करेगी, 370 हटाओ का विरोध करेगी, एनआरसी का हो तो मुझे बताओ बहादुरगढ़ वालों, इस देश में से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? हम कहते हैं घुसपैठियों को निकाल देंगे। कांग्रेस कहती है क्यों निकालते हो, ये कहां जाएंगे बेचारे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे? क्यों उड़ा साहब आपके मजे में भाई लगते हैं क्या? मित्रों, राहुल गांधी और रुद्रा जी को विरोध करने दो, मैं आपको बताने आया हूं 2024 के पहले इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चूम चूम कर निकालूंगा। मित्रों, मैं आपको बताता हूं इस देश को सुरक्षित समृद्ध करने का, इस देश को शिक्षित करने का, हर गरीब के घर में शौचालय बिजली घर बैंक अकाउंट गैस पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर जी के नेतृत्व में आप एक बार यहां फिर से सरकार बना दीजिए कमल निशान की। मैं आपको बताता हूं हम हरियाणा को देश में नंबर एक राज्य बना देंगे। मुझे बताओ बहादुरगढ़ वालों, 21 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे यार देखो, बटन दबाना है मगर ऐसे वैसे नहीं दबाना है, इतने गुस्से के साथ दबाना है कि बटन यहां बातू करने दबे करंट की डाली में लगे, इतने जोर से। भाजपा की सरकार बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे? मनोहर जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? अरे दोनों प्रत्याशी आगे आ जाओगे? मनीष जी और नरेश जी को जिताओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? मनोहर लाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय।